और देखिए पाकिस्तान का नया सरदार कौन होगा, ये सवाल अभी बाकी है। पाकिस्तान भी इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है। हालांकि अब तक जो चुनावी नतीजे आए हैं उन आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें उसमें इमरान खान विनर बनकर उभरे हैं। बेशक इमरान जेल में हैं, उनकी पार्टी पर पाबंदी लगी है, लेकिन चुनाव में निर्दलीय उतरे इमरान समर्थक भारी तादाद में जीते हैं और इस चुनावी रेस में असल विजेता इमरान खान ही है। जैसे कि आपको अब ग्राफिक्स में हम दिखा रहे हैं कि दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ है और फौज के साथ डील पर चौथी बार पीएम बनने का सपना संजोए नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे थे, लेकिन उनका सपना सच होगा इस पर भी सवाल है, क्योंकि रेस में वो रनर अप रहे हैं। और सबसे बुरा हाल बिलावल भुट्टो का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल को पीएम बनने का सपना संजोए चुनाव में उतारी थी और वो पार्टी उतरी थी, लेकिन तीसरे नंबर पर वो हैं और काफी बुरी स्थिति में उनकी पार्टी दिखाई दे रही है। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में मतगणना के 38 घंटे के बाद भी नेशनल असेंबली की तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी 20 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं। बताएं आपको 98 सीटें जीतकर इमरान समर्थक सबसे आगे चल रहे हैं। नवाज की पार्टी को 71 सीटें मिली हैं, बिलावल की पार्टी की बात की जाए तो 52 सीटों पर सिमटी है। दावे बड़े हो रहे थे लेकिन देखिए तीसरे नंबर की पार्टी बनी है बिलावल की पार्टी। 20 सीटों के नतीजे अभी भी आने बाकी हैं। और पाकिस्तान में किसे कितनी सीट मिली है इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। आपको पता है कि कुल सीट 336 है। ऐसे में जो चुनाव हुए उसके बाद इमरान समर्थक 265 सीटों पर यहां पर वोट डाले गए। पीएमएलएन 71 सीटें, पीपीपी 52 सीटें, एमक्यूएम 15 और अन्य के हाथ 9 सीटें आई हैं। वैसे बाकी सीटों पर मतगणना अभी लगातार जारी है और वजीर आजम चुनने के लिए यहाँ पर जो होड़ है वो अभी लगी हुई है। यहाँ पर इमरान सरकार जीतती हुई नजर आ रही है लेकिन अभी मतगणना जारी है। देखिए आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, पीएमएलएन 71 सीटें, पीपीपी 52 सीटें, एमक्यूएम 15 और अन्य 9 पर सिमटी हुई है। बाकी सीटों पर मतगणना अभी लगातार जारी है। ऐसे में जब मतगणना पूरी हो जाएगी उसके बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। हमारे सहयोगी सैयद जलालुद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे इस मामले में पूरी और जानकारी लेंगे। सैयद क्या कुछ और अपडेट है, अभी आंकड़े हम देख रहे हैं लगातार जारी होते जा रहे हैं लेकिन मतगणना भी अभी जारी है। फाइनल तस्वीर में बिल्कुल ये लगने वाला है, अपडेट हो रही है चीजें, क्योंकि रात को हमने ये डिस्कस किया कि ये जो ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी देखें हम एक एक दिन के बाद हमें 20-20 30 सीटों में रिजल्ट जो है वो अनाउंस होता नज़र आ रहा है। तो ये इंतहाई अजीब सी सिचुएशन चल रही है फिलहाल। तो अभी की जो मैं आपको सिचुएशन अपडेट करके बता देता हूँ कि एक सीट और जो है पीटीआई ने जीती है, हम 98 चला रहे थे और अभी अभी जो है जो नई अपडेट है उसके मुताबिक 99 सीट्स जो हैं वो पीटीआई की हैं और 71 सीट्स जो है वो पीएमएलएन ने जीती हैं। और तीसरे नंबर पे बिलावल भुट्टो जो है उनकी पार्टी के 53 सीट्स वो जीत चुके हैं और 17 सीट्स जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान जीत चुकी है। अब इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ हमको हम देख रहे हैं कि वो नंबर वन जमात बनकर ये सामने आई है। लेकिन जो गवर्नमेंट की बात करें तो रात को मीटिंग हुई शहबाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की, तो उन्होंने ये चीज़ें डिस्कस की कि अब नेक्स्ट गवर्नमेंट जिस तरह पीडीएम की गवर्नमेंट रही एक साल पहले, हमने देखा कि 13 जमातों ने मिलकर पाकिस्तान में हुकूमत की क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ सारे एक साथ इकट्ठे हो गए। तो अभी उसी तरह की हुकूमत हमें बनती हुई नज़र आ रही है क्योंकि रात को नवाज शरीफ का जो अभी ये जो वीडियो चल रही थी कि नवाज शरीफ ने जब खिताब किया तो नवाज शरीफ ने खिताब के दौरान शहबाज शरीफ को कहा कि मैंने शहबाज शरीफ को कह दिया कि ये जाकर मिलें और आसिफ जरदारी से और नेक्स्ट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की बात करें। तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पंजाब में और फेडरल में दोनों में अब इनको मिलाया जाएगा, पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को और एमकेएम पाकिस्तान को, क्योंकि इन तीनों की कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो पीटीए से ज़्यादा सीट्स बन जाती हैं अगर इस सिचुएशन को देखा जाए। साथ ही कुछ इंडिपेंडेंट्स और कैंडिडेट्स होंगे पीटीए के अलावा भी, उनको भी साथ मिलाया जाएगा और आईपीपी की 2-3 सीटें वो इनको मिला के एक हुकूमत जो है वो उसकी
फॉर्मेशन जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन सारे मामले में पीटीआई हमने कल देखा, बिल्कुल जलाल देखने वाली बात है कि जो फाइनल तस्वीर है वो कब तक आखिरकार सामने आती है। आप बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान में चुनाव पर इमरान की पार्टी ने दावा किया है, पीटीआई ने 180 सीट पर जीत का दावा किया है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 2/3 बहुमत का दावा इमरान खान की पार्टी यानी कि पीटीआई की तरफ से किया गया है। जलाल, क्या सच्चाई है इस दावे के पीछे? देखिए जी, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। इसमें फॉर्म 45 का जिक्र जो है पीटीआई ने किया है, जिस तरह फॉर्म 45 होते हैं इस तरह फॉर्म 47 भी होते हैं। फॉर्म 45 सबसे इनिशियल जो रिजल्ट है जो पोलिंग स्टेशन की जानिब से दिया जाता है कैंडिडेट्स को, ये वो होता है। अब जो फॉर्म 45 है उसके अकॉर्डिंगली पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मुताबिक वो जीत रहे हैं, लेकिन जो फॉर्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर ने सारे चीज़ें कंपाइल करके जारी की उसमें उन्होंने वो पीटीआई को हरा दिया। तो जाहिर है उनकी जो कॉपीज वगैरह हैं वो सारा डाटा इनके पास पीटीआई के पास मौजूद है। तो जब ये सारा डाटा कंपाइल किया गया तो हमने रात को देखा कि पीटीआई की जानिब से ये क्लेम कर दिया गया कि अब हमारे डाटे के मुताबिक जो फॉर्म 45 का डाटा है उसके मुताबिक हम 180 के करीब सीटें जीत चुके हैं। लेकिन अगर ये कोर्ट के अंदर जाता है मामला और कोर्ट इसको फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली जो है फॉर्म 47 को अमेंड करवाती है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि भुट्टो के बाद जो भुट्टो के दौरे हुकूमत के बाद जो इस वक्त हम देखेंगे कि बहुत मेजोरिटी के साथ पीटीआई जो है वो आंकड़ा कब तक साफ होता है इस पर नजर रहेगी। जलाल, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन पाकिस्तान से इस वक्त की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पीटीआई समर्थित 90 प्रत्याशियों का बड़ा फैसला, नतीजों को चुनौती देंगे हारे हुए पीटीआई प्रत्याशी, अपडेट अभी मिल रहा है। आज रिजल्ट को चुनौती देंगे इमरान समर्थक, तो इस वक्त का अपडेट मिल रहा है। बड़ी खबर यह है कि नतीजों को चुनौती देंगे हारे हुए जो पीटीआई के समर्थक है, वो जो नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं उन्हें लेकर अब जो चुनौती है वो दी जा सकती है इमरान समर्थकों की तरफ से। जलाल, और क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? ये कहा जा रहा है कि जो हारे हैं समर्थक वो अब इस रिजल्ट को चुनौती देने वाले हैं। जी बिल्कुल, जो हारे हैं उनको वो जो चुनौती दे रहे हैं वो प्रॉपर डाटे के साथ पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो प्रॉपर डाटे के साथ ये चैलेंज करने जा रहे हैं कि कल सलमान अकरम राजा पीटीआई के कैंडिडेट हैं तो उनकी जब अचानक से हार होगी, क्योंकि रात को हम देख रहे थे रिजल्ट्स और आ रहे थे हफ्ते दिन जो रिजल्ट जब अचानक से चेंज हुए तो जो फॉर्म 45 का डाटा सलमान अकरम राजा के पास NA 128 के साथ था तो वो उसके मुताबिक वो अच्छी खासी लीड से जीत रहे थे। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने जब रिजल्ट कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन को दिया उसमें उन्होंने सलमान अकरम राजा को हरा दिया। अब वो डाटा सारा उनको उनके पास मौजूद था तो वो कोर्ट गए लाहौर हाईकोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया उनको कि फिलहाल जो है उनका NA 128 का जो रिजल्ट है वो रोक दिया जाए जितनी देर तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो ऐसे ही जैसे एक रिजल्ट को रोका है इसी तरह यही सोचा जा रहा है कि 90 लोगों की पटिशन भी एक साथ एक किसी कोर्ट में जमा करवाई जाएगी और कोर्ट से उसी हिसाब से फिर कलेक्टिविटी में जो रिलीफ लिया जाएगा। अब देखेंगे कोर्ट इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करेगी कि रातों रात कैसे ये आंकड़े बदल गए, इसे चुनौती देने की तैयारी फिलहाल हारे हुए समर्थक कर रहे हैं। आप बने रहिए जलाल हमारे साथ, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते। पाकिस्तान में अब देखिए सरकार बनाने की जो जोड़ तोड़ है वो भी शुरू हो गई है। इमरान को रोकने के लिए हाथ मिलाने के लिए नवाज और जरदारी तैयारी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बीच बैठक हुई है। केंद्र और प्रांतों में सरकार बनाने पर चर्चा हुई है। जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं अब देखिए जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। जानकारी ये मिल रही है कि शहबाज शरीफ और जरदारी के बीच में बैठक हुई है और इसी से जुड़ी हुई चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह है कि इमरान को रोकने के लिए नवाज शरीफ एक्टिव हो गए हैं। मौलाना फजल उर रहमान और MQM से सरकार बनाने की चर्चा की जा रही है। शहबाज शरीफ को छोटी पार्टियों से बात करने को कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि छोटी पार्टियों को भी अपने साथ में लाया जाए। जोड़ तोड़ की राजनीति, जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजल उर रहमान से बात करने को कहा गया है। अब देखिए जोड़ तोड़ की राजनीति तो शुरू हो गई है सरकार बनाने के लिए, लेकिन आंकड़ा क्या है, जो तस्वीर है कैसे साफ होगी वो भी अपने दर्शकों को बता दें। देखिए
पीएनए कुल सीट अगर बात की जाए तो 336 सीट है, जिनमें से पीएमएलएन के पास कितनी सीटें हैं अगर बात की जाए तो 71 सीट इनके पास है, और पीपीपी के खाते में कितनी सीट आई है, 52 सीटें आई है। चुनाव कुल कितने सीटों पर चुनाव हुए हैं, 265 सीट ऐसी है जिन पर चुनाव हुए हैं, जो ये आंकड़ा आप देख सकते हैं। अगर बहुमत की बात की जाए, देखिए बहुमत कितना है पाकिस्तान में, 134 सीट पर बहुमत लाना जरूरी है, जिसमें से अगर इमरान समर्थकों की बात की जाए तो इमरान समर्थकों के पास 98 सीट है, और कुल सीट कितनी है 138। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीएमएलएन के पास 71, पीपीपी के पास 52 और एमक्यूएम के पास 15 सीट है, जिसका कुल आंकड़ा होता है 138 का। तो सरकार बनाने की जो जोड़ तोड़ है उसकी भी शुरुआत हो गई है, और देखिए किस तरीके से जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो भी अब शुरू हो गई है। अब जलाल जिस तरीके से अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है, हालांकि फाइनल तस्वीर आनी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति अब शुरू हो गई है, इस जोड़ तोड़ की राजनीति में कौन आगे निकलता हुआ अभी फिलहाल नजर आ रहा है? जी फिलहाल तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो अलायंस है ये उभरता हुआ नजर ज्यादा आ रहा है। उसकी वजह ये है कि पहले भी हमने हिस्ट्री अगर देखें तो उस हिस्ट्री में भी पीडीएम की जब हुकूमत बनी या इससे पहले भी जब भी मामलात होते हैं तो इमरान खान के खिलाफ हमने देखा है कि वाहिद ऐसी चीज़ है जहाँ पर ये पाकिस्तान की तकरीबन सारी जमातें वो एक साइड पर इकट्ठी हो जाती हैं, सिवाय एक आध जमात के जो पीटीआई का इनडायरेक्टली साथ देती हैं। लेकिन अब जिस तरह हमने देखा कि जब इमरान खान की सत्ता को गिराया गया तो उसमें भी इस तरह सिचुएशन थी कि जो इनके अलायंस में पीटीए के अलायंस में थे एमकेएम वाले, वो भी मिलकर पीएमएलएन के साथ मिल गए और पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए, तो ये चीज़ें वो पास में कर चुके हैं। तो अभी भी वही सिनेरियो नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी जाहिर है अलायंस टूटा पीटीए और एमकेएम का, तो अब एमकेएम के साथ पीटीए दोबारा इलाक बिल्कुल नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के साथ वैसे इमरान खान बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि मैं कभी इलाक करूँगा ही नहीं, और पीएमएलएन तो आपको पता है मेन राइवल है उनका, तो इसलिए पीटीआई का इन तीनों जमातों में से किसी से इलाहाक पॉसिबल नहीं है। और दूसरी साइड बिल्कुल जलाल जहाँ जोड़ तोड़ की राजनीति तो शुरू हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में आखिरकार बाजी कौन मारता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।